जय माता दी। देख लीजिए दोस्तों, काफी प्यारा बनाया गया है। अमेजिंग। और कुछ ही क्षण में हम लोग पहुंचने वाले हैं माता रानी के पास और दर्शन करने वाले हैं। अंदर देख लीजिए दोस्तों, लाइटिंग बहुत ही प्यारा सा मतलब लगाया गया है और दर्शन कर लीजिए दुर्गा माता का। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम आए हुए हैं कोलकाता में और दुर्गा पूजा का जो भी अच्छा अच्छा पंडाल है सारा चीज़ को हम दिखाने वाले हैं। हम जहाँ पे खड़ा हैं ये एड्रेस हो गया लेक टाउन और सामने में देख लीजिए क्लब टावर है और पूरा क्लब टावर देख लीजिए, काफ़ी प्यारा सा दिखता है यहाँ से। आज का जो ब्लॉग बनाने वाले हैं पेरिस का डिज्नीलैंड का, और ठीक पेरिस का डिज्नीलैंड का पूरा मतलब जैसे वहाँ पे है वैसे ही दुर्गा माँ का पंडाल बनाया गया है, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। सामने में देख लीजिए दोस्तों, ये हो गया क्लब टावर और यहाँ पे भैया आए थे घूमने के लिए। कैसा लगा घूम के? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा हमको। और बस हम बिहार से आए घूमने के लिए। जी जी, घूमने दुर्गा पूजा यहाँ पे बहुत अच्छा धूमधाम से मनाया जाता है, इसके लिए कि हम लोग आए हैं दुर्गा पूजा का एंजॉय करने के लिए। मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया। और श्री भूमि में जो भी यहाँ पे आदमी है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा काफ़ी लग रहा है, तो बहुत मज़ा आया देख घूमने में। और आपका भी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना मेहनत करते हैं। जैसे जैसे शाम होते जा रहा है वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ते जा रहा है। और देख लीजिए जैसे ही मतलब हल्का सा भी अंधेरा होगा ना, देख लीजिएगा यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं बचेगा, पूरा क्राउड ये हो जाएगा। और ये पूरा बारगेटिंग बनाया गया है और इसी बारगेटिंग के अंदर आप लोग को चलना है। और उस साइड मतलब कार और निकलने के लिए एक रास्ता छोड़ा गया है और ये जो बारगेटिंग बनाया गया है इसमें आप लोग मतलब चल के माता का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सारा जितना दिखता हुआ है रात के समय में जो लाइटिंग चलता होगा, बहुत ही प्यारा लाइटिंग दिखता होगा। और कुछ ही क्षण में हम लोग पहुँचने वाले हैं पंडाल के पास और पेरिस का डिज्नीलैंड बहुत खास होने वाला है। तो चलिए हम दिखाते हैं और बहुत ही बेस्ट लगेगा आपको। एक गेट बनाया गया है श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब और देख लीजिए बहुत ही प्यारा सा गेट। जैसे ही आप लोग आगे बढ़िएगा तो आप लोग को एक एंट्री गेट दिखेगा, लेकिन उधर एंट्री नहीं है, एंट्री इस साइड से है, लेकिन गेट बनाया गया है। और चलिए आपको गेट दिखाने का हम प्रयास करते हैं। और भीड़ देख लीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं भीड़ की भी संख्या बढ़ते जा रही है। तो फाइनली दोस्तों आप लोग जैसे ही आइएगा तो श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब से ठीक आप लोग इधर मुड़ जाना है दाहिने की ओर। और जैसे ही आप लोग आगे कुछ दूर बढ़िएगा तो आप लोग को पंडाल आ जाएगा। अब फाइनली हम लोग कुछ ही क्षण में पहुंचने वाले हैं। और रात के समय में यहाँ देख लीजिए चारों तरफ लाइटिंग इतना प्यारा प्यारा लगाया गया है, रात के समय में और मस्त लगेगा। लेकिन हम तो अभी से रात तक पूरा वीडियो शूट करेंगे और अभी हम शाम के समय में आए हैं इसलिए आप लोग को लाइटिंग नहीं दिखता होगा। तो कुछ ही क्षण में हम लोग पहुँच के आप लोग को दिखाते हैं पेरिस का डिज्नीलैंड। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं भीड़ की संख्या देख लीजिए बढ़ते जा रही है। आप देखिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा मतलब हो चुकी है, पीछे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्राउड आप लोग देख के समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो रहा है धीरे धीरे। और रात के समय में समझ जाइए बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो आप लोग आइए, तो एकदम अगर घूमना होगा तो हम तो बोलेंगे कि हाँ, अगर पूरा कोलकाता घूमना होगा तो कम से कम 4 से 5 दिन टाइम लेके आइए और पूरा कोलकाता का पंडाल घूमिए, क्योंकि बहुत ही जगह पंडाल बनाया गया है कोलकाता में। और कुछ ही क्षण में हम लोग पहुँचने वाले हैं और भीड़ आप लोग देख के समझ ही सकते हैं। लेकिन जो लाइटिंग लगाया गया है ना, लाजवाब लाइटिंग लगाया गया है, ये चीज़ पता चलेगा रात में। फाइनली दोस्तों देख लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं। अमेजिंग। आप लोग देख के समझ सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना प्यारा से बनाया गया है। आप लोग देख के समझ सकते हैं दोस्तों, अमेजिंग। अमेजिंग दोस्तों, देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत सा पेरिस का डिज्नीलैंड को बनाया गया है। और चलिए हम कुछ बार आगे का व्यू दिखाते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। और यहाँ देख लीजिए श्रद्धालुओं का भीड़, सबको यहाँ माता रानी का दर्शन करने के लिए। श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब 2023 अमेजिंग। रात के समय में जो लाइटिंग देखिएगा बहुत ही प्यारा लगेगा। देख लीजिए दोस्तों काफी प्यारा बनाया गया है। अमेजिंग। और कुछ ही क्षण में हम लोग पहुंचने वाले हैं माता रानी के पास और दर्शन करने वाले हैं। और भीड़ आप लोग देखकर समझ सकते हैं। जय माता दी। अंदर देख लीजिए दोस्तों लाइटिंग बहुत ही प्यारा सा मतलब लगाया गया है। और दर्शन कर लीजिए दुर्गा माता का। जय माता दी। और ये है दोस्तों देख लीजिए निकास द्वार, आप लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। खाली दोस्तों कुछ ही क्षण में हम लोग पहुँचने वाले हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। भीड़ काफी जबरदस्त हो चुका है और हमको लग रहा है रात के समय में जो लाइनिंग चलता होगा 1-1.5 घंटा आदमी भीड़ में ही मतलब रह जाते होंगे। अभी ये हाल है तो रात में क्या हाल होता होगा आप लोग समझ सकते हैं। और चलिए कुछ और आगे का हम व्यू दिखाते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। कैसा लगा दोस्तों आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अच्छा ब्लॉग के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भैया इस जगह का भी ब्लॉग बना दीजिए। हालिया मुझे का ब्लॉग बना देंगे, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आप, समझते रहे, स्वस्थ रहे, एक चीज़ का नाम भूल ही गए। अगर आप भी लोग पेरिस का डिज्नीलैंड देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर आइए, यहाँ पे बहुत ही प्यारा और बहुत ही भव्य तरीका से बनाया गया है। तब तक फिर अपने छोटे भाई को दीजिए इजाजत, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।